उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेन्द्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि ना होती है और ना ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देवशास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर 2.5 द्वीप विधान सम्पन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहूति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। लेकिन पहुंच जाए समोसण में जब उसको लेकर इंद्र जाते हैं मनुष्य का रूप धारण करते हुए, जब महावीर का मानसम देखा गौतम गर्दर का, वहीं मान चला गया। समझो, वहीं मान चला गया, अहंकार चला गया, तुरंत गर्दर बन गए और विराजमान हो गए। देखो कितने ज्ञानी थे, उन्हें कितना अहंकार था, कितना मान था कि इतने ज्ञानी थे कि भगवान की वाणी वही झेल सकती थी। देखो उनका समय कब अच्छा आया, उनका समय कब अच्छा आया, जब महावीर की वाणी खिली, जब उनका समय अच्छा आया। समझो, तो अब तुम सोचो कि समोसा लगा है सबका मान चला जाए, नहीं जाएगा। जब समय अच्छा आएगा, जब समय अच्छा आएगा तभी मान दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। भव्य जीव, देखो समझिए, इधर उधर नहीं, मनुष्य की माया मत फैलाइए। कायम करने वाले बाधा बहुत डालते हैं, समझिए। क्योंकि आज देखो भगवान का समूसण लगता है तो सारे देव इंद्र एक स्थान पर बैठ जाते, उधर उधर नहीं चलते हैं। समझो, लेकिन मनुष्य अपनी माया को ज्यादा फैलाता है, समझिए। जब ही तो इस स्थान पर पहुंच नहीं पाता है, बहुत समय लग जाता है। तो बंधुओं, आज वही समय है, आज वही दिन है, वही भव्य जीव बनो, उसे आत्मा बनाओ अपनी। समझो, अपनी आत्मा बनाओ जिससे आत्मा अच्छी बने। इस पुद्गल के अंदर अब मान अहंकार ना होने पाए। आज का दिन क्या है, है? ओ, क्या क्या
उसका सच्चाई समझ में नहीं आया। सोच है सोच है उत्तम सत्य है लोभ, लोभी होता है पंडित जी जी तो सब से किसी जन्मान में सत्य लगा किसी में सोच लगा क्या है दोनों जन्मानियों लिखा है किसी में सोच आया किसी में सत्य आया अर्जुन वो कोई कुछ इससे हमें कोई मतलब नहीं जैसा तुम्हारे विद्वान ने लिखा हो जैसा क्रम हो वैसा ठीक है। वैसे उत्तम सूझ सत्य संयम ऐसा होना चाहिए ठीक है सोच लिख दिया कोई बात नहीं। तो देखिए कुबेर ने भगवान के समूषण में लोभ नहीं किया लगाने में। देखो लोभ क्या एक उपाय है और क्षमा मार्दव आर्जव ये भाव है ये उपाय है उपाय करना है। हम समूषण लगाते हैं यदि इसमें जरा भी लोभ कर लिया तो समूषण की शोभा चली जाएगी समझो। तो लोभ से सारी कार्य बिगड़ जाते हैं। आजकल अधिकतर देखो लोभ कहाँ है जब मनुष्य पूजन करने जाता है दर्शन करने जाता है तुम देखना पुरुष या महिला घर खाएगी चार चार चम्मच चावल चार चार और भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए ले जाएगी इतनी सी डिब्बी और इतनी सी डिब्बी में पूजन कर लेगी वो बचा के ले आएगी समझो बचा के ले आएगी भगवान को भी चढ़ाई आई पूजा भी करी आई और तब भी घर बचा ली आई बोलो कितनी भक्तन है हैं उन्हें उसने इतना लोभ किया जैसे मरे हुए देवता होते हैं बब्बा होते हैं बहू होती हैं है ना देवी देवता होती हैं तो जैसे जल होता है तो जल में हाथ बुढ़े ऐसी छिटकी डाल देते हैं ऐसे ही इंजन समाज के मनुष्य महिलाएं इतने लोभी हैं समझो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए छिटकी डालते हैं उन्हें समझो क्या देवाधिदेव अरंदेव उन्हें कहाँ बना दिया उनको क्या बना दिया उन्हें चबूती के समान चारों से छिटकी डालते हैं बताओ उनकी क्या भव्य भाव हैं नहीं उनके चढ़ाने के भाव सही हैं नहीं इस असली ढोगी असली मदारी समझ लो ये केवल जिनाला जाने की एक जब बनते हैं इनके हाथ से या मुट्ठी खुलती नहीं है। जब जीव आता है गर्भ से या मुट्ठी को बांधकर आता है जाकर तो खोल के जाता है समझो बांधकर नहीं जाता खोल के जाता है। तो जब जन्म लेता तो बांध के आता है लेकिन जब भगवान के जिनालय में भगवान का दर्शन करने जाता है तो वहाँ भी बंधी चली जाती है वह खुलती नहीं पूरी
क्या करें, है ना। और जब पेट भरेगा तो चार चम्मच खा जाएगा, अभी और ले आओ। सोचो, जिसके खाने से ये पुद्गल का पेट खराब हो जाएगा। खाने से हम ज्यादा खा जाए नुकसान कर जाएगा, है ना। तो जैसे तुम ज्यादा खा जाओगे नुकसान, ऐसी छिटकी डालने से भी तुम नीचे चले जाओगे, समझो। अरे पुंज समझो कैसा होता है, जो अपने मकान सजाने में, अपने पत्नी के श्रृंगार में, अपने स्वयं के श्रृंगार में कितना पैसा खर्च कर देता है, समझो। लेकिन भगवान की पूजा करने में, दीप को चढ़ाने में कितना लोभ करता है, कहाँ लोभ करने गया, बोलो। उसकी बुद्धि उसकी मत दृष्ट कहाँ हो गई, जिनालय में, समझो, जिनालय में हो गई। सीखो, थालियों में मुट्ठी मुट्ठी दर्प रखी, वो इसी में चार पूजा हो जाती, समझे। चार ऐसे ऐसे चढ़ाता है भगवान का कला, हम तो आंखें मीचे ही चढ़ा, जो हमें करने का है। तुम्हारे संगे, हमारे संगे, हम तो अपने सिद्धालय में बैठे ही हैं, लेकिन अब तुम इस सिद्धालय में नहीं आ पा रहे, है ना। काय जब तुम्हारी मुट्ठी नहीं खुल रही और तुम पूजन कर रहे तो तुम छे? क्या करें। देखो बंधु, यही एक विवेक है, यही एक विवेक है, क्योंकि जब क्षमा नहीं हुआ तुम्हारे पास में, तो मान अहंकार और कपट के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होने से तुम्हारे पास में लोभ आ गया है, समझो। जब लोभ आ गया तो तुम्हारी किस्मत की लॉटरी बंद हो गई, समझिए, बिल्कुल बंद हो गई किस्मत की लॉटरी। बताओ, अब धीरे धीरे हमारा गिरस्त गिरने लगा, भंडार कम नहीं लगा, वंचित होने लगे, समझिए। तो कारण क्या है, जहां तुम्हें लोभ करना है तुम वहां लोभ नहीं करते हो, जहां लोभ करना नहीं है वहां लोभ करते हो। अरे खाने में करो लोभ, चार चम्मच खाते से दो खा लो, तीन खा लो, एक बचा लूँ, अरे हमें ज़्यादा नहीं खाने, है ना, तो हमारा पेट सही तो रहेगा। अरे भगवान को हम तीन खा तो कम से कम दो ही चम्मच ले जाएं, दो ही चम्मच चढ़ा जाएं। यदि पूजन करते हैं, ऐसी थाली हमारी भरती है ना हर प्रकार से, तो ऐसी थाली भर के हम भगवान का पूजन करें, है। सोचो, यदि तुम 25 का खाओगे तो 15 का तो ले जाओ, 20 का ले जाओ और पूजन करो उनकी, समझो। तो मनुष्य कहाँ लोभ करता है, सोचो। जिनालय में सारा लोभ जिनालय में मिलता है हर बात से, जबकि जल से धोने वाला जल भी का टका तुम्हें लगता है, देना चाहिए तुम्हें, देना चाहिए कि हम पैर धोते हैं तो कम से कम 1 रुपया प्रतिदिन का तो जल का धोने का डालें
घबरा गए हमें सब जन 30 रुपया महीना के हैं। जब तो अच्छी ज्योतिषी देव ने बता दी 30 रुपया को महीना जल पाँव धोवे में तो देर में जाने कितने के लगे तो हम खाली हो जाए। नहीं देखो हमेशा खाने में दायना हाथ उठता है और दान में दायना हाथ उठता है, चढ़ाने में दायना हाथ होता है, समझिए भगवान का पूजन करने में दायना हाथ होता है। जब पूजन की हम स्वाहा करते हैं तो दाने हाथ से स्वाहा करते हैं, समझो ये दाया हाथ बड़ा उत्तम वर्ग का होता है। बंधु हो देखो कहीं भी ये दान का हाथ दान में नहीं सिकोड़ना है, नाम में सिकोड़ना है, नाम में हमें इससे अपना नाम नहीं करना है क्योंकि पत्थर पे लिख जाएगा और मिट जाएगा, समझो। भरत को मान आ गया था तो उनकी शिकालेट पे चक्रवर्ती लिखने में जगह ही नहीं मिली थी उन्हें, समझो कि अभी बाहुबल को नहीं जीत पाया मैं, चक्रवर्ती कैसे लिखूंगा, उनने ये सोचा, समझिए। तो ये मान मनुष्य को कहाँ कहाँ गिरा देता है। इसलिए यदि दान का हाथ हमेशा ऊंचे होता है, समझो, कहते हैं लड़का वाला बड़ा होता है, बच्ची वाला हल्का होता है। जिसने कन्या अपनी दी है, जिसने कन्या अपनी दी है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब वो कन्या देता है और लड़का वाला का पिता आता है तो नीचे हाथ करके खड़ा हो जाता है और कन्या का पिता ऊपर से हाथ उठा के देता है तो वो कौन बना, भिखारी। और क्या कहते, नहीं मैं बड़े हूँ,